नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूं मेरा रिकॉर्ड स्टेबलाइजर रिंग। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस रिकॉर्ड स्टेबलाइजेशन रिंग। इट वर्क्स वेरी वेरी वेल फॉर द रिकॉर्ड्स विच आर थिन एंड दे जनरली गेट वॉर्प्ड। तो कई बार क्या होता है कि जब रिकॉर्ड वॉर्प हो जाता है तो ऐसे ऊपर नीचे वो मूव करता है, जिसकी वजह से निडल एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाती। So what should be the ideal situation? The ideal situation should be when the record is spinning, it should spin absolutely still. There should be no movement upwards or downwards. This thing is achieved when the record is very thick and heavy. But जो बाद में पतले वाले record बनने लगे थे उसमें ये problem आती है कि वो कई बार गर्मी से या किसी heater के पास या किसी ऐसे object के पास जहाँ से heat निकल रही हो वहाँ रख देने से वो रिकॉर्ड वार्प कर जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो उन रिकॉर्ड्स को बजाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। सो व्हेन द रिकॉर्ड इज स्पिनिंग द निडल इज सपोज टू बी वेरी स्टेबल, यू नो द आर्म शुड बी वेरी स्टेबल। द आर्म शुड नॉट बी गोइंग अप एंड डाउन विद द रिकॉर्ड फ्लो, नाइदर इट शुड बी टिल्टिंग टूवर्ड्स एनी ऑफ द साइड्स। व्हेनेवर दैट हैपेंस द डायमंड इन द ग्रूव इज नॉट स्टेबल एंड इट आइदर हिट्स द राइट वॉल और द लेफ्ट वॉल, लीडिंग टू wow and flutter in the sound that you get, and most of this time there is a lot of groove jumping. So how does this work? Well, I'll show you. This is my record stabilizer ring. This is a pretty heavy object. How heavy? I'll tell you exactly if I so this is some 0.75 किलो, यानी 750 ग्राम का है ये। और 750 ग्राम्स, नॉट वेरी हैवी एंड इट कैन बी वेरी सेफली यूज ऑन ऑल दोज टर्न टेबल्स विच हैव गॉट अ हैवी स्टेबल मोटर और जिनके प्लेटर्स में काफ़ी वेट हो। अगर आप इसको किसी हल्के टर्न टेबल पर रख देंगे तो हो सकता है उसकी मोटर या पुली खराब हो जाए। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ करने के लिए ये एक सेंटरिंग डिस्क है जिसको कि आप इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, जस्ट लाइक दिस, एंड देन दिस रिंग इज प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड। सो लेट अस फर्स्ट सी हाउ अ यू नो अ वबली रिकॉर्ड साउंड्स, हाउ अ वॉर्प रिकॉर्ड साउंड्स एंड व्हाट इज एग्जैक्टली दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस। सो कम अलोंग, this is the record, this is the record wherein you can see this is moving up and down, and if I try to play it, this is how it sounds. Now let us put this record ring on this turntable. Here we go. सेंटर से मिला के आपने इसको धीरे से ऐसे रख दिया और ये टॉप वाली चीज़ बाहर आ गई। मैंने इसको यहाँ रख दिया, सेंटर से ऊपर की तरफ ये रिकॉर्ड बल्ज ना हो इसके लिए यू पुट दिस सेंट्रल वेट। राइट नाउ लेट अस सी हाउ इट ऑपरेट्स। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में कहीं मोटर कहीं बिल मिलता है, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल कहीं बिल। So I believe this video has helped you understand the benefit of using a record stabilizer ring. Ideally, there are a lot of people who use this ring irrespective of the disc condition. जैसे एक कंपनी है VPI की, तो VPI स्काउट के जो टर्नटेबल्स आते हैं उसमें एक तकरीबन 2 किलो का रिंग वो प्रोवाइड करते हैं। और बहुत से लोगों की रिपोर्टिंग है
और खुद मैंने भी महसूस किया है कि अगर आप रिकॉर्ड रिंग लगाते हैं तो आपकी साउंड रिप्रोडक्शन की क्वालिटी स्पेशली इन द बेस सेक्शन एंड द मिड सेक्शन बहुत इम्प्रूव हो जाती है। तो ये रिकॉर्ड स्टेबलाइजिंग रिंग एक तरह से एक यू नो इट्स अ बून, एक वरदान है हर उस रिकॉर्ड के लिए जो वार्प है, पतला है, टेढ़ा है। तो देखिए, आपने ऐसा अभी देखा होगा कि उस गाने को हम सुन नहीं पा रहे थे बिकॉज इट वॉज यू नो टू वार्प, लेकिन जैसे ही हमने रिकॉर्ड स्टेबलाइजर रिंग लगाया उसने चारों तरफ से रिकॉर्ड को इक्वली प्रेस कर दिया एंड द नीडल कुड ट्रैक द ग्रूव वेरी इजिली। सो दिस वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माई रिकॉर्ड स्टेबलाइजर रिंग, एंड ऑल दोज हु हैव गॉट अ हेवी ड्यूटी टर्न टेबल लाइक एस पी 10 और इवन अ टेक्निक्स वुड, आई थिंक टेक्निक्स 1210 वुड कैन अकोमोडेट दिस रिंग, गैरट्स ऑफ कोर्स बट नॉट द बेल्ट ड्राइव्स लाइक थॉरेंस एंड ऑल, आई विल नॉट यू नो सजेस्ट यू टू यूज ऑन देम बिकॉज उनका जो प्लेटर है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, प्लस उनकी मोटर बहुत कमज़ोर होती है इन मोटर्स के मुकाबले क्योंकि वो बेल्ट पे एक चलता है, तो उनके रिंग्स अलग आते हैं और आई हैव नेवर एक्सपेरिमेंटेड विद देम। सो दीज रिंग्स आर नॉट एडवाइज टू बी यूज ऑन दोज टर्न टेबल्स, फॉर ए कैरेट, फॉर ए टेक्निक्स डायरेक्ट ड्राइव येस यू कैन यूज देम। आई होप यू लाइक दिस स्मॉल यू नो डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ माई स्टेबलाइजिंग रिंग एंड लर्न अ बिट मोर अबाउट द एनालॉग वर्ल्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते।